मैं नंद किशोर जोशी हूँ, ये मेरी पत्नी है और पेंटिंग जो है का कार्यक्रम जो है चलता है, हमारे परिवार से ही चलता आ रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब जो है ये चल रहा है और मैंने मेरे फादर से सीखी और फिर मैंने मेरे द्वारा मेरे बच्चों ने सीखी जोशी कान, तो हमारी ये क्या जोशी परिवार में चल रही है। और ये पेंटिंग जो है करीब 650 साल पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। और भोपाल लोग पहले क्या लोग देवताओं के ऊपर बनती थी, आजकल जो है नई नई चीज़ें बन रही है। तो आज की जनरेशन को ये कहना है कि भाई जो जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है समय के अनुसार, उसी तरह से आप इस पेंटिंग को समय के अनुसार अलग अलग चीज़ों में ढालिए। तो पहले तो क्या है कि गायकी के ऊपर होती थी, लोग देवता मानते थे इसको, घर घर में कथा वाचन होता है, उसी तरह इसका पूजन होता था। और आजकल जो है लोग बाग इसको डेकोरेशन के हिसाब से लेने लगे, कोई ड्रेस मटेरियल में लेने लगे। तो मैं आज का युग ऐसा है कि इसको हर घर घर के अंदर पहुंच गई है। चांदनी मन दामन में पा ही खुशी रे झुम 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 झुम। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा फोक आर्ट, हमारी ट्रेडिशंस, हमारी फोक पेंटिंग्स आगे बढ़े, तो बहुत जरूरी है कि यंग डिजाइनर्स एंड यंग जनरेशन क्राफ्ट पर्सन के साथ मिलकर काम करें। और जब वो मिलकर काम करेंगे देन ही मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन बन सकती है क्राफ्ट में। जैसे कि अभी हमें इन्वाइट करा गया भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंड एक क्लस्टर के साथ हमने काम करा, जिसमें हमने क्लस्टर्स को इनोवेशन करना, इंस्पिरेशन होना और कैसे हम अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो सिखाया। और क्रिएशन ही नहीं बल्कि हमने ये भी सिखाया कि आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो एज ए क्राफ्ट पर्सन। महाराणा प्रताप के ऊपर बनाए हैं स्टोरी गाथा मोहरे लिया तूने ऐसा खेला दा खावे की तूने चांदनी।